हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेलकम गुरुजी चैनल पर। मेरा नाम है जगजीत, आप सबका दोस्त, इस चैनल का होस्ट। दोस्तों, आप सबकी रिक्वेस्ट आई थी कि मैं अपनी MI TV स्टिक को अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट करके लाइव चैनल चलाकर दिखाऊं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको अपनी MI TV स्टिक को अपने MI के नोटबुक 14 लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके दिखाऊँगा और आपको इसमें लाइव वीडियोज़ चैनल वगैरह चलाकर दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो उसके। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जान देर ना करते हुए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, MI TV स्टिक को अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले MI TV स्टिक चाहिए। जाहिर सी बात है कि आपके पास MI TV स्टिक या फिर Mi Box 4 के भी है अगर आपके पास, तो भी आप उसको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में आपको चाहिए एक वीडियो कैप्चर कार्ड। मैं यहां पर यूज़ करने वाला हूं इस ओक्सला कंपनी के वीडियो कैप्चर कार्ड को, जो कि 3.0 वर्ज़न है। आप चाहें तो इसको Amazon से परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और साथ में आपको चाहिए एक डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप। लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आप यूज़ करेंगे उसमें कम से कम i5 प्रोसेसर होगा, तभी आपकी जो वीडियो की कैप्चरिंग है वो स्मूथली चल पाएगी। अगर आप इससे जैसे i3 वगैरह पे या फिर किसी पुराने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे MI TV स्टिक को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ओक्सला का 2.0 वाला, यानी कि 2.0 वर्जन वाला कैप्चर कार्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि जो 3.0 है वो केवल लेटेस्ट मॉडल्स पर ही काम करेगा। इन दोनों कैप्चर कार्ड्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाकर उनको परचेस कर सकते हैं। तो TV स्टिक को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के लिए पहले तो आपने क्या करना है, जो हमारा वीडियो कैप्चर कार्ड है उसमें अपनी TV स्टिक को कनेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, हमारी TV स्टिक यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है। उसके बाद जो हमारी TV स्टिक है इसको हम पावर दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको पावर भी दे दिया। मैं जल्दी से इसकी पावर को ऑन करके ये जो हमारे वीडियो कैप्चर कार्ड का दूसरा सिरा है USB पोर्ट वाला, इसको अपने लैपटॉप के जो 3.0 वाला पोर्ट है इसमें मैं कनेक्ट कर देता हूँ। लीजिए, यहाँ पर ये जो हमारी TV स्टिक है वो कनेक्ट हो चुकी है। मैं जल्दी से पावर को ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों, जो हमारी MI TV स्टिक है वो हमारे लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं उसमें पावर भी आ चुकी है। अब आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है OBS स्टूडियो। OBS स्टूडियो से दोस्तों आप अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और MI TV स्टिक या फिर Mi Box 4K को कनेक्ट करके आप लाइव चैनल्स का मज़ा भी ले सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इस सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको यहां से डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके अंदर एक सीन क्रिएट करना पड़ेगा। सीन क्रिएट करने का मतलब दोस्तों यह है कि हमें इसके अंदर कुछ कैप्चरिंग डिवाइसेस को ऐड करना पड़ेगा, तभी हमारी MI TV स्टिक इसके अंदर चल पाएगी। तो अगर आप इस सॉफ्टवेयर के सबसे लेफ्ट बॉटम साइड पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सीन्स का। यहाँ पर आपने क्या करना है, प्लस के साइन पर जाना है और यहाँ पर आपने नाम दे देना है MI TV स्टिक। आप जो मर्जी नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे MI TV स्टिक नाम दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। फिर आपने MI TV स्टिक को यहाँ से सिलेक्ट करना है और उसके राइट साइड में जहाँ सोर्सेज है वहाँ पर आपने आना है और यहाँ पर आपने प्लस के साइन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत से ऑप्शन मिलेंगे, आपने इसमें वीडियो कैप्चर डिवाइस को सिलेक्ट करना है और जैसे वीडियो कैप्चर डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको एक विंडो ओपन होगी। आपने यहाँ से इसको ओके पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको डिवाइस को सिलेक्ट करना है। आप यहाँ से डिवाइसेस में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कई तरह के ऑप्शन मिलेंगे। आपने यहाँ से USB 3.0 कैप्चर को सिलेक्ट कर लेना है और नीचे से ओके कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारी MI TV स्टिक की वीडियो है या जो कहूँगा कि होम स्क्रीन है वो आपको अब लैपटॉप पर नज़र आ रही होगी। अब हमारी वीडियो तो आ गई, अब हमें साउंड भी इसके अंदर ऐड करनी है। तो साउंड के सोर्स को ऐड करने के लिए हम फिर से यहाँ वीडियो कैप्चर डिवाइस के नीचे प्लस में जाएंगे और यहाँ पर हम अब क्लिक करेंगे ऑडियो इनपुट कैप्चर पर। इसके बाद यहाँ पर हम इसको ओके करेंगे और फिर डिफ़ॉल्ट में डिवाइसेस के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा डिजिटल ऑडियो USB 3.0 कैप्चर। आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट करके नीचे ओके कर देना है। तो अब हमारी वीडियो और ऑडियो दोनों इस OBS स्टूडियो के अंदर कैप्चर हो जाएंगी, लेकिन अभी भी हमारी साउंड
नहीं आएगी। साउंड को लेकर आने के लिए आपने क्या करना है, आपको ये जो सेंटर में ऑडियो मिक्सर नज़र आ रहा है इसमें आपको एक सेटिंग ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से एडवांस्ड ऑडियो प्रॉपर्टीज़ पर जाना है। यहाँ पर आपको ऑडियो इनपुट कैप्चर का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसमें ऑडियो मॉनिटरिंग में आप देख सकते हैं मॉनिटर ऑफ है अभी, इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने मॉनिटर एंड आउटपुट दोनों को सिलेक्ट करके क्लोज कर देना है। अब आप इस एमआई टीवी स्टिक में जो भी प्ले करेंगे वो आपका लैपटॉप के ऊपर चल जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ से आपको यूट्यूब चलाकर दिखा देता हूँ, मैं यहाँ से आपको कुछ NCS म्यूज़िक प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये वाला म्यूज़िक प्ले करके दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो हमारा म्यूज़िक है या फिर वीडियो है यूट्यूब के अंदर वो प्ले हो चुका है। इसको फुल स्क्रीन करने के लिए अपने स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फुल स्क्रीन प्रोजेक्टर प्रीव्यू में 19:20 को आपने सेलेक्ट कर लेना है तो जो आपकी वीडियो है वो फुल स्क्रीन हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी जो वीडियो है वो फुल स्क्रीन हो चुकी है। अब ऐसे ही दोस्तों आप यहां से कोई भी और एप्लीकेशन भी चला सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी दोस्तों बहुत ज़बरदस्त आ रही है इसके अंदर। अब जैसे मान लीजिए आपने G5 को यहां पे यूज़ करना है एप्लीकेशन को, वो भी आप बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप G5 के ऊपर लाइव टीवी का मज़ा लेना चाहते हैं तो आपने यहाँ लाइव टीवी सेक्शन में आना है और कोई भी चैनल जो आप चलाना चाहते हैं उसको यहाँ से आपने सेलेक्ट करके प्ले कर देना है तो जो आपका चैनल है वो चल जाएगा। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो चैनल है वो शुरू हो चुका है। इस तरह करके आप एमआई टीवी स्टिक को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों होपफुली आपको इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।